अब गुजारिश करूंगा भगत बादल राम भील साहब से, लोक फनकार रेडियो टीवी जिला थरपारकर उमरकोट सिंध। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी कृष्ण लाल गुलूकार भील साहब की, जो मुझे इस मुर्शिद का लासानी सरकार का दर्शन मुझे कराया, ये बड़ी बड़ी मेहरबानी कृष्ण लाल साहब की। और सूफी पीर मकसूद अहमद साहब लासानी सरकार की मेहरबानी, मुझे दर्शन दिया, मुझे बहुत खुशी है। मेरे मुल्क में ये थरपारकर में बारिश नहीं पड़ी थी, अभी मैं वहां से निकला, सखर में पहुंचा तो पीछे से फोन आया, बारिश बहुत तेज हो गई है। ये मेरा खुशी है, मैं साईं के इश्क में आया हूँ। सारे ये बैठे हुए मुर्शिद के इश्क में एक कलाम पेश करूंगा। आतश तो ही बराबर इश्क दारों के हेरा बाह सारे दी कख काने ते इश्क सारे दा दिल जेरा बाह विसाने नाल पानी पानी दे दस इश्क दा दारू गहरा आख मियां गुलाम फरीदा उठा चाहन रखी जिथा इश्क लाए दा तेरा चार दाढ़ी सूई लग गई थी। अच्छा। डॉक्टर ने जवाब देता, अख खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा पूरे दिमाग से पीक पै गई, तो यह दुरुस्त नहीं होना, तो मैं अपने मुर्शिद आस्थाने लैके आई हाँ, तो इन्होंने हाथ चुके दुआ मंगी है, तो इंशाल्लाह मेरा पुत्र अज माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गया। अख का नूर चो गया सी, लेकिन अख तंदुरुस्त हो गई। हूँ असं जींदे भी मुर्शिद कहेंगे तो मर के भी मुर्शिद कहेंगे। मेरी हालत ये थी कि ना कोई काम करना, बस अवारगी एक एक बेटा था, लेकिन मैं अपने सरकार साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे सरकार जी ने सिर्फ आपकी निगाह रहमत हुई, कोई अर्ज नहीं की, सिर्फ आपकी निगाह रहमत हुई। आज आपके सामने ये आपका गुलाम हाजिर है मेरे अक्का, कोई मुझ में अपैर नहीं, आपकी निगाह रहमत से वालदैन की खिदमत करने वाला हूँ। दर दर दियाँ ठोकर खादिया सी, किसी तो नहीं सन खैर पई, लासानी सरकार के आस्था ने आए तो खैर पई है। मैं खुद दो बारी मेरे मुर्शिद ने
मैंने मौत के मुँह चु कटिया, मैं थां थां धक्के खाते कितने नहीं सी। मेरे सोने ने मेरे पीरो मुर्शिद ने ऐसा करम कमाया, मेरा आखिरी दम से मैं ये कहती सी कि मैंने लासानी सरकार के आस्था ने लै जाओ, जे मेरे कहते ने इन्हें नहीं बचना इन्हें बचना। मैं जब मैं मर भी गई चलो मैं अपने पीरो मुर्शिद की मेरी आखिर सवारी जाएगी, मेरे पीरो मुर्शिद के दर्द तो मेरी जान निकलेगी ना, उन्होंने नज़रों चेगी उन्होंने कदमों चेगी, तो मैं अल्लाह का लख तो करोड़ बार शुक्र करांगी कि मेरी जान मेरे पीरो मुर्शिद के कदमों चेगी। तो मैं मैंने उत्तर लै चलो ये इतने आया तो इतने सरकार जी ने दम फरमाया, एक सेकेंड के मेरे दुख सारे अपने वाल खिंच ले, तो मैं एक मिनट तो पहले शफा हो गई। शुक्र मैं करती अल्लाह सुने का लख लख बारी, सारी सरकार साढ़े पीरो मुर्शिद का सड़क के अल्लाह तला ने एक मौजदा सू दिखाया, साढ़े वास्ते मौजदा आया, साढ़े वास्ते मुबारक आया, साढ़े ईद का चन है। सहारा है मुश्किल में तुझको सभी ने पुकारा, तेरे ही हम और तू है हमारा, मुझे बादशाही की चाहत नहीं हमें चाहिए आप ही का सहारा। मेरे मुर्शिद पाक जिस वक्त भी सानू कोई तंगी तकलीफ आती असं मुर्शिद पाक की तस्वीर अगे खलो के दुआ करते हैं, मुर्शिद पाक दसगिरी फरमाते हैं, खाबा सानू आते हैं, सानू अबू बकर सदीक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां ज़ियारतां होईयां लासानी सरकार दे नाल, जे तुहानूं तंगी तकलीफ है तुसीं इहनां दे दर ते चल जाया करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों तुहानूं तंगी तकलीफ हुंदी है ना कोई भी मुश्किल आउंदी है तां रोण ना बैठ जाया करो घर ते लासानी सरकार दे कदमां चल जाया करो। और ये टेज माई प्लेयर के मैं इसका पार्ट हूँ आज, और ये वाकई एक जो है वो हैरान कन महफल थी। लासानी सरकार की शख्सियत जो है वो लफ्ज़ों के जो है वो कूजे में बंद नहीं हो सकती, वो जितना भी इजहार करूँ जितनी मैं कैफियत बयान करूँ बयान करने के बाद मैं ख़ुद महसूस करूँ कि आज जो मैंने महसूस किया मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो उनकी शख्सियत जो है वो अल्फाज में बयान की नहीं जा सकती, वो मेरा दिल जानता है या जो उनके साथ दिल जुड़े हुए हैं सिर्फ वो बता सकते हैं कि दिलों की हालत क्या है। सरकार साहब मेरे मुर्शिद अजीम हैं, आपकी अजमत पे खरबों बिलियन सलाम। दुनिया में इस वक्त रूहानी फैज का डंका जो लासानी सरकार साहब ने बजाया तो दुनिया में कहीं नहीं है, ये हमारा चैलेंज, अगर कोई दिखा सकता हमें दिखा। लासानी सरकार साहब की ज्यारत अल्लाह की ज्यारत है। खुद ख्वाब में फरमाया कि लासानी सरकार का आस्थाना मेरा ही आस्थाना है और इस पर हाजिरी देने वाला आदमी जो है उस पर हमारी नज़र है।
दोनों ने थप्पड़ मारा तो कान से खून बहना शुरू हो गया। जब रात को सोई तो वो इतना शदीद दर्द था, रोते रोते सो गई। लसानी सरकार ने ख्वाब में दम फरमाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जब लसानी सरकार हमारे घर तशरीफ लाए तो आंटी कहती